हेलो दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं ब्लॉगर वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। दोस्तों बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि हम अगला वीडियो जो बनाएं अपना उसमें उन चीजों का ध्यान रखें और आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते जो मैंने और अभिजीत ने मिलकर अपलोड किया था। अभिजीत का थोड़ा सा परिचय दे दूं। अभिजीत मेरा भतीजा है जो पिछले 7-8 साल से मेरे पास रह रहा है। मेरे पास रहने की वजह ये थी कि मेरे पिताजी को पूरा विश्वास था कि मेरी जो स्कूल है पूनिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मेरे बच्चे यहीं से सक्सेस हुए हैं। तो उन्हें लगता था कि यदि मेरे पास रहेगा तो वो भी बहुत अच्छा बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए उन्होंने बहुत विश्वास के साथ मेरे साथ भेजा था, मेरे पास भेजा था और उसका प्रत्युत्तर उन्हें अच्छा ही मिला। चूँकि अभिजीत का बचपन यही बीता है तो बहुत सारी मेमोरीज है उसकी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ। वो मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उन मेमोरीज को सहेज कर रखना चाहती हूँ कि जब वो और बड़ा बनेगा, बड़ा आदमी बनकर आएगा, तब वो इन मेमोरीज को संभालेगा और देखेगा। दोस्तों, अभिजीत के 10th में बहुत ही अच्छे नंबर आने की वजह से उसे आगे की पढ़ाई के लिए कोटा भेजा जा रहा है। चूंकि अभिजीत का बड़ा भाई यानी निर्मल IIT रुड़की पास आउट है तो उसका भी एक सपना है कि वो भी बड़े भैया की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और उसके लिए उसे यहाँ से जाना ही था। काफ़ी तकलीफ हो रही है उसे यहाँ भेजते हुए, उसे यहाँ से भेजते हुए, लेकिन फिर भी बच्चों का भविष्य देखकर उन्हें संवारने के लिए अपने से दूर करना ही पड़ता है। तो आज हम जा रहे हैं अभिजीत को कोटा भेजने के लिए और आगे का सफ़र हमारा तय रहेगा, उसके साथ हम बने रहेंगे। आगे भी वो कभी कभार जब भी गांव आएगा हमारे वीडियो में हमारे साथ जुड़ा रहेगा। रेजोनेंस है वो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका कैंपस बहुत खूबसूरत है, हज़ारों की संख्या में वहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं और बहुत सक्सेस भी होते हैं। मुख्य रूप से जेई मेन और एडवांस की तैयारी यहाँ की जाती है। निर्मल ने भी यहीं रहकर 1 साल तैयारी की थी लेकिन उसे 1 ही साल मिला था क्योंकि वो 12th के बाद यहाँ आया था। लेकिन अभिजीत को 2 साल का टाइम वो देना चाहता है, 11वीं और 12वीं दोनों वो यहीं से करेगा और साथ ही साथ जेई मेन्स की तैयारी भी करेगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप लोगों से दुआएँ चाहते हैं कि उसका सिलेक्शन भी निर्मल की तरह IIT में हो जाए और वो भी एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर लौटे। हालांकि बहुत छोटा है अभी, वो तकलीफ़ होती है ये देखकर कि वो अभी इस उम्र में घर से दूर है, हमसे दूर है, लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ तो समझौते करने पड़ते हैं, कुछ तो त्याग करना पड़ता है। थारे फूम पर बेटा का तो लच्छी न्यारे है, चश्मे बिना थानू 40 जगह नहीं। अब वो है कई दिन बच्चा, अब ठीक हो गए हैं? अब ठीक हो गए हैं? अब ओ चश्मा है। दोस्तों, अभिजीत का एडमिशन यहाँ हो चुका है। ये उसके अंदर का भाग है रेजोनेंस के। सामने माँ सरस्वती की बहुत सुंदर मूर्ति लगी हुई है और बहुत अच्छे संकल्प लिखे हुए हैं जो बच्चों को प्रेरित करेंगे। बाहर ये पोर्च है जहाँ बहुत सारी साइकिलें हैं, बच्चे साइकिल से यहाँ आते हैं यदि दूर हैं तो, और साइकिलों पर शेड बना हुआ है जहाँ सोलर प्लांट लगे हुए हैं जिनसे विद्युत आपूर्ति होती है। बहुत अच्छा कैंपस है, आपको भी मौका मिले बच्चे को पढ़ाने के लिए तो यहाँ जरूर लेकर